इस धरती में उनका खून है। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए करते गए करते गए। मेरे भाई ने क्या कहा? संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा, मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं, एक आदमी का कितना अपमान करोगे? कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए? इस धरती में उनका खून है, इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं।